हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय निताई। श्री हरि नाम प्रेस वृंदावन आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अवश्य शेयर करें। साधुवाद प्रणाम। जय श्री राधे, जय निताई। जय निताई प्रभु जी, मुझे असली शालिग्राम जी चाहिए। कृपया बताएं कहाँ से प्राप्त होंगे। जय श्री राधे। आपको शालिग्राम जी चाहिए, बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा संकल्प है। एक तरीका तो यही है कि बाजार से आप खरीद लाएं। ओरिजिनल शालिग्राम तो गंडकी नदी जो नेपाल में है वहाँ से मिलते हैं, बाजारों में भी मिलते हैं, वृंदावन में, हरिद्वार में, और नदियों के किनारे बहुत से लोग लेके बैठे रहते हैं। लेकिन वो शालिग्राम असली हैं कि नकली हैं, इसमें संशय रहता है। अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, कोई आपका विश्वासी दुकानदार हो और सही शालिग्राम दे दे तो बहुत समझिए। दूसरी बात यह है कि कोई ऐसा आपका परिचित व्यक्ति हो जो नेपाल आता जाता हो, उससे कहा जाए, वो वहाँ से ला दे। तीसरी बात यह है कि आपके टच में जो वैष्णव हो, कोई संत हो, उनसे आप प्रचार करें, उनको फैलाएं कि मेरे को एक शालिग्राम चाहिए। तो प्राय संतों के पास शालिग्राम होते हैं, मंदिरों में भी होते हैं, और एक एक दो दो चार चार भी होते हैं। वो यदि कृपा करके अपने शालिग्राम आपको दे दें तो वो पूजित शालिग्राम यदि आप पधराएं अपने मंदिर में तो वो सोने में सुहागा है। ऐसा हो जाता है, ये कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। और आप यदि इच्छा रखेंगे, दृढ़ कामना रखेंगे कि शालिग्राम मेरे घर पधारें, तो शालिग्राम भी आपके घर पधारने को तैयार होंगे, तो जरूर किसी संत को प्रेरणा दे देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बानक बना देंगे कि आपको शालिग्राम जी प्राप्त हो जाएंगे। और ऐसे शालिग्राम जो ओरिजिनल हो, जो सही हो, उनकी आप पूजा करेंगे तो बात कुछ और ही बनेगी। हालांकि कण कण में भगवान है, डुप्लीकेट शालिग्राम की भी आप पूजा करेंगे तो उनमें भी आविर्भाव हो जाएगा ठाकुर का, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर भी अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने सिंसियर हैं और आप कितने ईमानदार हैं, आप कुछ पाने के लिए कितनी मेहनत करना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे आलसी होते हैं, 500 रुपये दिए, शालिग्राम आ गया, भैया ये सब हमारे बस का नहीं है, हम जाएं इधर जाएं उधर जाएं, ये सब हमसे नहीं होता। तो नहीं होता तो ठीक है, डुप्लीकेट शालिग्राम की पूजा कर लो, कोई हानि नहीं है। लेकिन भगवान को पधराना है, कुछ पाना है, तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक वैसे जैसे आप अपनी लड़की के लिए ऐसे किसी लड़के के हाथ तो नहीं बांध देते ना, उसे लड़का देखते हैं, उसका पता लगवाते हैं, उसकी इंक्वायरी करवाते हैं, उसका घर देखते हैं, उसका शहर देखते हैं, 4 लोगों को रिजेक्ट करते हैं, 5 लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, साल भर लग जाता है, 6 महीने लग जाते हैं, तब कहीं जाके कोई वर अनुकूल लगता है। अब वो वर अनुकूल होता है कि नहीं होता है ये तो समय बताएगा। उस अंधेरे जैसी स्थिति में भी हम संसारी लोग कितना परिश्रम करते हैं, खूब देखने भालने के बाद भी 50% रिजल्ट सही आते हैं, 50% गलत आते हैं। तो मेरा निवेदन यह है, जल्दी ना करें, ठाकुर को पधराना है, कोई मजाक नहीं है, थोड़ी चेष्टा करें, प्रचार करें, संतों में कहें, फेसबुक पर डाल दें किसी संत के पास शालिग्राम हो तो मुझे चाहिए, अपने मित्रों से कहें, वैष्णवों से कहें, गुरु भाइयों से कहें, 4 लोगों से कहें, तो कहीं ना कहीं से आपको, जहाँ संत लोग रहते हैं, जैसे वृंदावन में भागवत निवास एक स्थान है, वहाँ पर 40-50 संत रहते हैं, वहाँ पर कभी आए उन संतों में से किसी से कहें कि मेरी बड़ी इच्छा है आप शालिग्राम
मेरे को दे दें। तो कई बार संतों को पता होता है कि अरे वो फलां संत के पास है और वहां सेवा की व्यवस्था नहीं पा रही, वहां से हम दिला देते हैं। ऐसा संयोग बन जाता है। अन्यथा बाजार में से खरीदने को तो आपको कुंभ की जरूरत नहीं है, हरिद्वार में खूब मिल जाएंगे, वृंदावन में खूब मिल जाएंगे, किसी भी तीर्थ स्थान पर आप जाएंगे शालिग्राम की शिला आपको मिल जाएंगी, कोई असुविधा नहीं है। बाकी अब आप देख लीजिएगा, मैंने आपको दोनों तीनों विकल्प बताए हैं, आपका मन कहाँ बैठता है उसके हिसाब से करें। और जितना आप इनपुट देंगे, जो जो चीज़ जितनी मेहनत और परिश्रम से आपको अनुपलब्ध चीज़ उपलब्ध होगी, तो आपकी श्रद्धा और भावना उसमें उतनी अधिक बनी रहेगी। ये मनोविज्ञान भी है और ये शास्त्र का आदेश भी है, इसलिए आप अपना निर्णय करें और शालिग्राम जी को अपने घर में पधराएं। बहुत शुभ संकल्प है, इससे अच्छा संकल्प हो नहीं सकता। शालिग्राम जी के पधराते ही, उनकी पूजा करते ही आपके कल्याण का मार्ग खुल जाना है, और खुला हुआ है तो चौड़ा हो जाना है। जय श्री राधे, जय निताई। भजे निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय निताई।